शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नामो निशान दुनिया से दुश्मन का मिटा दूंगा। नाम है अर्जुन मेरा, मैं कोहराम मचा दूंगा। आदमी को बंडी के बटन लगाने ना आते हो, वो स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा मालूम नहीं। और चार बरस में जिस नारी को सिंदूर लगाना है उसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता ना। देवी जी जरा आप शक्ल देखेंगे आईने में? क्या हुआ, देखे तो सही। क्यों? अरे देखो तो सही। नाक के लिए नथ होती है, ये मांग की चीज आप नाक को क्यों पहनाती रहती है? लाओ मैं साफ कर। अरे नहीं, अरे लाओ मैं साफ कर दूं। नहीं हटो। अरे कैसे हटूं, नाक तुम्हारी सिंदूर मेरा, जिसका बंदर वही नचाए। मेरा सिंदूर है, मुझसे साफ होगा? कहो तो बिल्कुल साफ कर दूं। छी, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। पापा, पापा, तैयार हो गए। पापा माफी, नाक को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, तेरी माँ का गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है ना, जरा सा सिंदूर ठहर गया। क्या? माँ की नाक लाल हो गई, माँ की नाक लाल हो गई। चुप कर और सीधे स्कूल जा। नहीं, अगर पिटना नहीं चाहते तो सरक ले। सरक ले, सरक ले। कहिए, आपका दवाखाना कैसे चल रहा है? बस ठीक ठाक चल रहा है मास्टर जी, आपकी दया से। बिटिया की शादी का शुभ मुहूर्त निकला कि नहीं? मुहूर्त निकल गया मास्टर जी, लेकिन दहेज में खींचातानी चल रही है। फिक्र मत कीजिए, हरि कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राम राम। नमस्ते। पायल आगे बात। अरे जीते रहो, तुहार गैया ब्याह की नहीं? बस ब्याह सरकार, बछड़ा हुआ वाले। अच्छे, बहुत अच्छे। राम राम मास्टर जी। राम राम मास्टर जी। क्या नाम है बेटे आपका? बंसी। कहाँ ले जा रहे हो? ठाकुर साहब के हवेली में सफाई के बदला जा रहे हैं बिटवा को। नहीं राधेश्याम, ये बात गलत है। इस ननी सी जान पर ये जुल्म मत कीजिए। इसके हाथ में किताबें दीजिए, झाड़ू नहीं, ताकि बुढ़ापे में आपका सहारा बन सके। पर क्या करें मास्टर जी, ठाकुर साहब के काम से फुर्सत मिले तब ना पढ़ाई भेजे। नहीं नहीं, फुर्सत निकालिए, फुर्सत निकालिए। अच्छा मास्टर। अच्छा। राम राम मास्टर जी। क्यों भाई सरजू, ये तुम्हारे पैर का क्या हाल है? वैद्य जी का इलाज चल रहा है भैया, एक आध महीने में ठीक हो जाएगा। कहाँ की तैयारी है? थाने जा रहा हूँ कालिया डाकू की खबर देने। चलता हूँ भाई। राम राम। मानव अधिकार। रघु उठो, क्या लिखा है? रघु, अभी मैंने क्या कहा? बैठो बैठो। देखो बच्चों, अगर तुम लोग लिखना पढ़ना नहीं सीखोगे
तो लोग 100 रुपए देकर 1000 के कागजों पर तुमसे दस्तखत करवाते रहेंगे और तुम लोग भी अपने पुरखों की तरह बंधेपन से कभी छूट नहीं पाओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है दुर्गा बहन, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली, वरना जिंदगी और मौत में बहुत कम फासला रह गया था। ये सब गांव वालों की कमजोरी का नतीजा है भाई साहब। अगर आप लोग जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये फासला और भी कम हो जाएगा। आखिर आप लोग इंसान हो, जानवर तो नहीं। हम लोग किसी खूंटे पर बंधे बैल की तरह नहीं है। इसे चारा मिल गया तो मिल गया। मानव वो है जो अपने चारे के खातिर लड़े। भगवान, माता पिता और अपने गुरु के सिवा किसी के सामने सर न झुकाए। क्या ना करे। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे उल्लू के पट्ठो, यहाँ पाठशाला में क्या कर रहे हो? जाओ हवेली में काम करो, वहां जाकर काम तुम्हारा बाप करेगा। जाओ चलो। मास्टर, जो इस किताब में लिखा है ना वही पढ़ाओ, ना एक बात कम ना एक बात ज्यादा। ये इंसान नहीं पशु हैं, पशु। इन्हें अंगूठे इसलिए दिए हैं भगवान ने कि जहां हम चाहें लगाए, और गर्दनें इसलिए दी है कि हमारे सामने झुकाए रखें। तुम भी अपनी गर्दन में थोड़ी लचक पैदा करो, समझे? अरे लल्ला, सब खीर मत खा जाना, अपने भैया और मुन्ना के लिए थोड़ी सी छोड़ देना। चाचा, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? इन्हें स्कूल जाने से क्या मतलब मुन्ना? मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस गांव में रहूं वहां हर कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे, लेकिन ठीक मेरे ही घर के अंदर अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा सकता। नीचे क्या देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अरे जितनी मेहनत मैं तुझ पे करता हूं ना, अगर उतनी मेहनत मैं सामने वाली दीवार पे करता तो अब तक वो भी फर पर पड़ने लगती। चिकना खड़ा है ये, किसी बात का असर नहीं होता इस पर। अब रहने भी दो, तुम तो बस इसके पीछे ही पड़ जाते हो। खा लल्ला, खीर का खा ले। और सुन, फिर बाजार जाकर ये 5 रुपए छोटे लाल को दे के आना, उसके बाकी रह गए थे ना। हाँ वो ये ले जा। देखो दुर्गा, बच्चों को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, एक दिन पछताओगी मैं कह देता हूं। ठाकुर साहब, आप इसी तरह हमें खुश करते रहेंगे तो आपके गांव में कभी पुलिस नहीं आएगी। जयराम जी की दरोगा बाबू। कहो क्या बात है, क्यों आए हो? मैं रामेश्वरपुर का सरजू यादव हूं। मुझे उस खूंखार डाकू काले सिंह के बारे में एक खबर देनी है। वो इस वक्त अपने साथियों के साथ भैरव घाटी में है। आप जाकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ। Thank you.
रमेशपुर वालों, सरदार का हुक्म कान खोलकर सुन लो। सरजू यादव ने पुलिस का भेदिया बनने की भूल की है, इसलिए अपनी सजा भुगतने के लिए उसे जल्दी से जल्दी सरदार के पास पेश हो जाना चाहिए। अगर वो खुद ना आए तो गांव वालों, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसको घसीट के सरदार की खिदमत में ले आए, नहीं तो गांव में आग लगा दी जाएगी। लोगों को जिंदा जलाने की जिम्मेदारी खुद गांव वालों पर होगी। दो मिनट का इंतजार करने के बाद अगर सरजू यादव बाहर नहीं निकला तो सारे गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। भगवान के लिए तुम बाहर मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें अपने बच्चों की कसम। मैं अपनी औलाद के खातिर सारे गांव को जलवा नहीं सकता। हट जाओ यहां से। गया हूं कालिया सिंह, मेरे खून से अगर तेरे जुर्म की आग ठंडी होती है तो बेशक मार मुझे। चला गोले। जॉन चौपाल पर गांव के मुखिया दूसरन के मुकद्दर का फैसला करते हैं, वही चौपाल पर हम तोहार जिंदगी का फैसला करी हैं। ठाकुर नहीं, इन्हें मार के मुझे विधवा मत बना। तो ठीक है, हम तो के सदा सुहागन ही बनाए देते हैं। हमार खिलाफ मुखबरी करे का अंजाम यही होता है। मुट्ठी भर डाकू एक बहादुर को मारकर चले गए और तुम लोग अपने घरों में छुपे रहे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आज सरजू और उसकी बीवी मारे गए हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए। कल तुम मारे जा सकते हो, तुम मारे जा सकते हो, मैं मारा जा सकता हूं। अरे मैं पूछता हूं, क्या हम लोगों ने एक दूसरे की लाशों को कंधा देने के लिए जन्म लिया है? इस तरह कायरता से कुत्तों की मौत मरने से तो बेहतर है कि काले डाकू का मुकाबला करो। पेट की आग तो हमसे बुझाई नहीं जाती मास्टर जी, भले डाकू का क्या मुकाबला करेंगे? उनके पास तो बंदूक है, हमारे पास कहाँ है? तुम्हारे पास हिम्मत है, हिम्मत। तुम सब मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकते हो। याद रखो, तारे और मिट्टी से बना एक मामूली बांध दरिया के तूफानी बहाव को रोक सकता है। कंधे से कंधा मिलाकर चलो, शेरों की तरह दहाड़े मारो और दुश्मन का कलेजा दहला दो। मास्टर, इस दो कौड़ी के आदमी की बातों में तुम आ गए
तो ये तुम सबको मरवा देगा। अरे भैया अब तुम सोच क्या रहे हो, ठाकुर साहब ने आज तक जो कुछ भी किया है तुम लोगों की भलाई के लिए किया है। उन्होंने तो सरजू को भी बुलाकर प्यार से समझाया था कि बेटा कालिया के आड़े मत आना, लेकिन उसने बात नहीं मानी और मर गया। उसके बच्चे बेचारे यतीम हो गए। राम 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 राम। जब तक जुल्म और अन्याय के खिलाफ इस गाँव के लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये अत्याचार होते रहेंगे, और ये हवेली वाले इसी तरह गरीबों की मौत का तमाशा देखते रहेंगे। तुम इस गाँव के मालिक हो, लोग अपना अन्नदाता समझते हैं तुम्हें। जितना रुपया पैसा चांदी सोना तुम्हारी हवेली में होगा उतना इस सारे गांव में नहीं होगा। फिर भी डाका इस गांव में पड़ता है, तुम्हारी हवेली में नहीं। क्यों नहीं पड़ता तुम्हारी हवेली? इसलिए कि तुम डाकों के साथ मिले हुए हो। ये झूठ है, ये सच है। मेरी सहन शक्ति पर इतना दबाव मत डाल मास्टर कि मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊं। तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है और गांव वाले सब मिलकर तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। अरे मरी गए मारने वाले, मास्टर के तो कल निपट लिए हैं, अब हो तो छोकरिया का मजा लो। Let's go.
स्कूल नहीं जाना मास्टर जी? क्या बात है, क्या सोच रहे? सोच रहा हूं जो सपना मैंने देखा है वो पूरा होगा या नहीं। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे इसी विश्वास पर तो मैं अपने आदर्शों की लड़ाई लड़ रहा हूं। बस इतना याद रखना दुर्गा, सरजू के इन बच्चों की परवरिश में किसी बात की कोई कमी ना आने पाए, वरना मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। आप देखते जाइए, मैं इन्हें इस जतन से पालूंगी कि एक दिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इनमें से हमारा बेटा कौन सा है। अरे मुन्ना। जी बाबूजी। ले बेटा, चल दूध पी ले। जी। लाओ। आप रहने दीजिए, वरना फिर उल्टे सीधे बटन लगा लेंगे। हाँ, अच्छा। हे भगवान। डाकू आ गए। भगवान के लिए बाहर मत जाइए, मैं आपको बाहर नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम इन डाकुओं से डरते रहोगे, ये लोग तुम्हें डराते रहेंगे। तोरी आवाज में दम नहीं मास्टर। अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए अब्दुल चाचा। अरे ओ मास्टर, आज कोई नहीं आवेगा तोरा ज्ञान सुनने। तोहार खोपड़िया मां बचा हुआ ज्ञान हमार झोलिया में डाल देना। तू उस ज्ञान के काबिल नहीं है कालिया। जवान तो कैची से भी ज्यादा तेज चलती है हरामजादे। कालिया। कालिया नहीं बदतमीज। ठाकुर कालिया सिंह बोल। हमारी मदद करो। हमार खिलाफ गांव वालन को भड़कात है तू। मारो दीनू भैया, मारो। बुजदिल गांव वालन को दिलेरी का पाठ पढ़ा दे बे तू। नहीं, नहीं, तेरे पति पे दया करो, मत मारो। नहीं दुर्गा, नहीं। तुम्हारा नाम दुर्गा है, इसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने नाम का अपमान मत करो। ए! एक ही लुगाई को ले जाओ यहां से। पता नहीं हम मंगल के दिन औरतन पर हाथ नहीं उठाते हैं। भैया
बाबे और ढीठ की औलाद, अपने इकलौती लुगाई के सुहाग की खातर ही जीवनदान मांग ले रे। किसी कायर की सुहागन होने से तो बेहतर है दुर्गा एक बहादुर के विधवा बन के जिए। बारे बहादुर बा बा बा, उस दिल के माफिक मार खाए जाता है। अबे हाथ तो उठा, जरा हम भी तुहार बहादुरी की बानगी तो देखें। मैं हाथ इसलिए नहीं उठा रहा कि इन गांव वालों को मेरी बेगुनाही याद रहे। वो ये सोच सोच कर शर्मिंदा होते रहे कि वो अपने बंद दरवाजों के पीछे से मेरी मौत का तमाशा देखते रहे। कुछ दिनों बाद उनकी ये शर्म उनका हथियार बन जाएगी। उस दिन तुझे इस गांव के हर चेहरे में मेरा चेहरा दिखाई देगा। तू ऐसा नहीं मानेगा। जगह टांग दे का पेड़ पे। अबे वो मास्टर जी साहेब, आराम से लटकत हो ना। कोनो तकलीफ होवे तो अभी भी गड़गड़ा ले। जिसका सर मेरे पांव के बराबर हो उसके सामने मैं क्या गिड़गिड़ाऊं कालिया। मास्टर देखता नहीं, मैं तुझसे इतना ऊंचा हूं कि मेरी तरफ देखने के लिए तुझे अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है। कालिया, मजलूमों और गरीबों के आंसुओं से डर। जो आज मेरी आवाज सुनकर गांव वाले बाहर नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। जिस दिन वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे वीर पति के शरीर को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर हटो, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, चले जाओ। या अल्लाह, इस बियाबान जंगल में ये बच्चा जिंदा है या सांस है? पर ये अकेला यहां, कोई वाली वाले से इसका भाई, कोई संगी साथी है? कोई आवाज नहीं, क्या करो उसका? चलो घर ले जाता हूं, फिर जो अल्लाह को मंजूर। सोचा तो यही था कि इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी और इसी गांव से मेरी अर्थी जाए, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। मां, मैं ये चिंगारियां लेकर जा रही हूं और एक दिन शोले बनाकर वापस लाऊंगी। मेरी एक बिनती है मां,
कि मेरा अर्जुन जहां भी हो उसकी रक्षा करता और मेरे पति के हत्यारों को मेरे वापस आने तक जिंदा रखना। अरे बेटा ऐसे नहीं, नीचे बैठो, नीचे बैठो, ये पकड़ो इसे, ये ऐसे। विजय, विकी, विशाल बेटे, चलो बेटा खाना ठंडा हो रहा है। भगवान जाने मेरा अर्जुन किस हाल में होगा। अबे घोड़े के भाई गधे, खेलते ही रह गया, कुछ काम भी करेगा? चल के लोहा कोट, रात को नाले बना के अग्नि का बुझवानी है। चल 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 चल। घोड़ा घोड़ा नहीं टट्टू। वो आए हमारे अड्डे पे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी उनके टट्टू को देखते हैं। अरे गुरु, तुमने घोड़े जी को टट्टू बोला ना, इसलिए वो बुरा मान गए। अरे ये तो घोड़े को दारू पिला रहा है। दारू तो हमारे जैसे मर्द पीते हैं। और सोडा छक्की। अगर ये ढक्कन मेरे गिलास में गिरता तो मैं साले का ढकना बना के रख देता। दस बजकर 15 मिनट के बाद अगर तुम यहां नजर आए तो कर 16 मिनट हो गए। अब हाँ? अब मैं बताता हूं, ये बोतल खत्म होने तक तुम लोग यहां से दफा नहीं हुए तो
हाँ मास्टर, लगता है आज तक तेरा किसी शेर से वास्ता नहीं पड़ा। मेरे बच्चों को घड़ी का खेल दिखाकर डराता है क्या? आज मैंने तेरे और तेरी घड़ी के अंजर पंजर ढीले ना कर दिए तो मेरा नाम बब्बर शेर नहीं, समझा? जूता उसी का सर, लोहे का ये खिलौना जो सिर्फ मौत की बोली बोलता है, मेरा इशारा पाते ही ये कोहराम मचा देगा। पहलवान, तुम्हारा ये खिलौना इस वक्त गूंगा है इसलिए कि इसकी जुबान इस वक्त मेरे पास है। अब जरा यहां तशरीफ लाइए, आइए आइए, डरिए मत, आ जाइए। क्यों पहलवान जी, हुआ अंदाजा मेरे हाथ की ताकत का? आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो पूरे के पूरे जमीन में दफन कर दूंगा साले। विजय, विकी, विशाल, चलो बेटा खाने। आते हैं माँ। ए बिड़ो, गाड़ी तैयार है क्या? ए छह सात के बने, बिल दे इसको। बिल? अरे बिड़ो, अपन भी तो देखे बिल मांगने वाले का थोबड़ा कैसा है। हाँ, अपन का नाम लालू उस्ताद है क्या? सीधी तरह बिल दे दे, नहीं तो डिब्बे की तरह पिचका के रख दूंगा। अरे बेड़ो, अपुन के खानदान में तो आज तक कोई सीधा पैदाइच नहीं बोला क्या? कौन है भाई? लालू उस्ताद। अरे अरे विशाल, पागल हो गया क्या? जानता नहीं सेरिया के दादा महादादा लल्लू? लालू जी से किस तरह बात की जाती है मैं बताता हूँ।
जल गई क्या? मैं चाबी अभी लाता हूं महाराज। वाह साला क्या एक्टिंग करता है अमिताभ। लालू उस्ताद आपने दीवार पिक्चर देखी थी? नहीं देखी थी तो मैं बताता हूं, उसमें अमिताभ ने यूं चाबी ली और यूं जेब में डाली और फिर जिप बंद करके बोला। क्या बोला? बोला कि अगर माई का दूध पिया है तो निकाल ले चाबी। अपुन को बोला क्या? और नहीं तो क्या इसको बोला? मैं अकेला तो अमिताभ बन नहीं सकता, दोनों मिलकर काम चला ही लेंगे। अकड़ बकड़ बब्बे बो अच्छी तरह सबको धो। बम्बे बो अच्छी तरह से इसको धो। माल लाओ और गाड़ी ले जाओ। अरे राजा तूने पीसा था तो बच जाएगा तेरा बैंड बाजा। हाय मैं सद के जाऊं, इतने प्यार से तूने अगर जान भी मांगी होती ना तो मैं दे देती, लेकिन तूने मांगी भी तो क्या मांगी, दारू चमकी एक मच्छी फ्राई देना अगर एक बैग देना। अरे ढक्कन धीरे बोल, आवाज नहीं मांगता। अबे ओ फुलतरू इसको मच्छी फ्राई दे और इसको अद्धा। ए राजा ऐसे क्या देख रहा है रे? मैं देख रहा था कि मैंने इतनी सी मांगी तो तूने दी नहीं और उसने एक बैग मांगा तो तूने आधा पकड़ा दिया। ये शराब है ना लिवर चाट जाती है, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा मां कसम। मां आती है तुझ जैसे डरपोक को अपना बेटा कहते हुए, एक मामूली गुंडे की टांग से कतरा के चलाया। अरे सीख अपने भाइयों से, आज सुबह अपने हक के लिए उन्हें गुंडों से लड़ता देखकर कितनी खुशी हुई थी मुझे, इतना ही दुख और अफसोस हुआ है तेरी कायरता को देखकर। मैं पूछती हूं कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार और ममता में कि तू इतना डरपोक निकला। अरे अरे मैंने तो अपनी गोद में एक शेर पाला था, लोहे की दीवारों से टकराने वाला एक फौलाद पाला था मैंने, लेकिन तू काश तू कायर न होता।
राजा। हाय मैं सत के जाऊं। ए तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? माँ से झगड़ा करके आया है? तू यहाँ क्या लेने आई है? लेने नहीं देने आई हूँ। ये ले पटुआ जिसे तू धुनकी में भूल आया था। छोड़ मेरी कलाई। अगर मेरी कलाई में बल आ गया तो कल मैं नाचूंगी कैसे? कल चमकी तेरे प्यार में रंग के खूब नाचेगी। रंगेगा अपने प्यार में? बाबा रंगूंगा, पर तू इस वक्त जाए यहाँ से। अच्छा। अपनी पिचकारी तैयार रखना। हाँ रखूंगा, तू जा। बेड़े देखते हैं कल किसकी पिचकारी से रंगते हैं। चलो Thank you.
लाल से नहीं, अगर रंगना ही है तो उस राक्षस के खून से रंगो जिसने मेरी मांग से सिंदूर खुरेश लिया, जिंदगी का हर रंग छीन लिया मुझसे। तुम लोगों को शायद अपना बचपन याद नहीं, लेकिन मुझे मुझे अच्छी तरह याद है बेटा। जब तुम्हारे हंसने खेलने के दिन थे तब उस जालिम ने तुम्हारे पिताजी को बेरहमी से मारकर तुम लोगों को अनाथ और मुझे विधवा बना दिया। मैं एक बेबस अकेली मां तुम तीनों को अपने आंचल में छुपाकर भाग निकली, लेकिन आते आते उस राक्षस को मैं मां दुर्गा के हवाले कराई थी और मुझे विश्वास है कि मां दुर्गा ने उसे जरूर जिंदा रखा होगा। उस दिन से लेकर आज तक हर दिन हर पल एक ही ख्वाब देखा है मैंने कि मेरे बेटे जवान होकर अपने बाप की मौत और मां की बर्बादी का बदला जरूर लेंगे। तेरे विश्वास की जीत होगी मां, हम दुर्गा मां के बेटे हैं, दुर्गा मां के हाथ बनकर उस राक्षस का खात्मा कर देंगे। ये रहा अपना गांव। अब बेटा तुम तीनों यहीं पैदा हुए थे, यहीं पढ़ना शुरू किया। जब तुम लोग छोटे छोटे थे ना तो यहीं खेला करते थे। और हमारा घर आगे है बेटा, दूर है? नहीं, जब तुम लोग बहुत मस्ती करते तुम तो... दुर्गा हो ना, मास्टर जी के घर वाली। तुम वैसी हो ना? हाँ हाँ, हम तो समझा तुम भूल गई होगी। नहीं नहीं, तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, जय राम जी। गाँव के वैद्य हैं, जब तुम लोग बीमार होते थे ना तो यही इलाज किया। लागी दुर्गा भौजी। अरे नत्थू भैया कैसे हो? बस राम जी की दया है भौजी, सब आनंद ही आनंद है। ये हमारे गाँव के नाई हैं। नाई? हाँ। अच्छा, राधेश्याम जी आपने मुझे पहचाना? मैं दुर्गा बहन। कैसी हो? ठीक है। अच्छी हूँ। कब आई शहर से? बस अभी आई। अच्छा, बंसी कैसा है भैया? अरे बहन, ऊ ससुरा वही तक ठाकुर साहब की हवेली में गुलामी कर रहा है। अच्छा बहन जल्दी में है, फिर मिलेंगे। ये अरे मास्टरनी जी, आप? राम राम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे? हाँ बताइए मास्टरनी जी, वही धाक के तीन पात हल्दी मिर्ची तौल रहे हैं। कहो आप कैसी हैं? ठीक ठाक है ना? कोनो चीज की जरूरत पड़े हमका खबर कर दे, हम भेज दें। कर देंगे जयराम जी की। इस पेड़ को प्रणाम करो बेटा, यही वो तीर्थ स्थान है जहां तुम्हारे पिताजी गांव वालों की आंखों में भविष्य के सपनों का काजल डालते थे, जिससे इंसान इज्जत से सर उठा के जी सके।
चलो बेटा घर चलो। दुर्गा ये वो मंदिर है जिसकी छत के नीचे तुम सबने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इसकी दीवारों पर एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसका हर पन्ना तुम्हारी जिंदगी से संबंध रखता है। संबंधों की बुनियाद पर खड़े इस मंदिर को हम सब मिलकर स्वर्ग बनाएंगे मां। अरे कितनी चिंगारियां उड़ा रहे हो, हवेली में आग लगाने का इरादा है क्या? अरे सरकार नहीं, इन चिंगारियों से हवेली में क्या आग लगेगी है? पर सरकार, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो दुर्गा है ना, तीन चिंगारियां लेके गांव वापस लौट आई है। तीनों लौंडे हैं, वो भी कर रहे। मुनीम जी, लगता है धूप ने तुम्हारी खोपड़ी पिलपिला दी है। हो सकता है। वो तीन लौंडे लाई हो या तेरा, हमें क्या फर्क पड़ता है जी? एक बात समझ लो मुनीम जी, जी। ये गांव 700 बरसों से इस हवेली की जूते के नोक पर जीता आ रहा है। जी सरकार। और उसे जीना है तो यूं ही जिएगा, समझिएगा। माँ, उस दिन क्या तूने मेरी आधी ही बिनती सुनी थी? मेरे दुश्मनों को तो तूने जिंदा रखा, लेकिन मेरे अर्जुन को नहीं ढूंढा। वो जहां भी रहे उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना माँ। मुझसे मेरे अर्जुन को मिला दे। आग में जलाता रहेगा? कब तक चलता रहूंगा? जब तक मैं अपने भाई के हत्यारे के खून से अपने हाथ नहीं रंग लेता, तब तक मैं इस इंतकाम की आग में जलता रहूंगा। सब्र से काम ले अर्जुन, सब्र से काम ले। अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ चाचा, अल्लाह सब ठीक करेगा। आज मैं अपनी भाभी को देखा चाचा। तो वो तुझे मिल गई? कैसी है वो?
कैसी है वो? वक्त के बेरहम हाथों ने जिसकी मांग का सिंदूर पहुंच डाला हो, वो बेचारी कैसी होगी चाचा? लाचारगी की तस्वीर सफेद साड़ी पहने साक्षात देवी लग रही थी वो। उसे देखते ही मुझे बचपन याद आ गया, बचपन की वो तमाम बातें याद आ गई, भाभी के प्यार में मिली वो ममता याद आ गई। चाचा जी चाह मैं भाग कर उसके गले से लिपट जाऊं, उसके पैरों में अपना माथा टेक कर कह दूं कि भाभी मैं हूं, मैं अर्जुन तेरा देवर। ये सब मैं कैसे कह सकता था, कैसे कह सकता था ये? मैं भागा तो अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं कर सका चाचा। तू जानता है ना चाचा, मैंने कसम खाई है जब तक उस तरिंदे के खून से अपने हाथ तरंग लू, जब तक उसे मौत के घाट न उतार दू, मैं भाभी को नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, उसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं अर्जुन हूं, उसका देवर हूं। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खत्म करके रहूंगा, उसे खत्म करके रहूंगा। विशाल बेटा, विशाल। हाँ बोल माँ। ये शक्ल जरा पुजारी जी के घर दिया तो बेटा। अच्छा माँ। पुजारी जी। अरे आपका तो हाथ जल गया, मैं आपको हल्दी लगा देती हूँ। बहुत जलन हो रही है क्या? पहले थी, अब नहीं। लेकिन आप? मैं मास्टर जी का बेटा हूँ विशाल। आप पुजारी जी की बेटी है ना? वो दिखाई नहीं दे रहे, बाहर गए हैं। जी पिताजी मंदिर गए हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी राधा। बड़ा प्यारा नाम है जी। माँ ने शक्कर भेजी है, अब मैं हल्दी लगवाने कब आऊं? रानी, एक घगरिया क्या पड़ गई मारे बोझ के झूलने लगी। अरे होश में आ रस्सी की जात, अब इनके मारे कोई कपड़े नहीं सुखाए, ये भी कोई बात हुई? अबे ओ पिपेरी प्रसाद, अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई दिया? हाय मुझसे? जी हाँ आपसे। बोलिए बोलिए देवी जी। हम ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, आंखें माँ के खूंटे में बांध कर बाहर निकला करो, ऐसे बैठे बैठे क्या घूर रहे हो? भाइयों मॉडल तो बहुत अच्छा लेकिन आवाज कुछ ज्यादा करती है, लगता है इसका साइलेंसर बदलना ही पड़ेगा। क्या बोला पिपेरी के? इसका तो ब्रेक भी खराब है, अरे तभी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। क्या बोला जरा फिर से बोल, हम भी तो सुने। अरे इसका तो गियर भी सटकेला है, न्यूट्रल में आते ही नहीं। ए, ये क्या मुंह में बड़बड़ा रहा है? ए धन्नो। हाँ बोल क्या बात है? चल बाग में आम खाने चले। जरा रुको, हम ओढ़नी डालकर आते हैं। अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो तुम कहोगे कि कम्मो बेफजूल की बकबक करती है, लेकिन क्या करें, मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकते। अब इसमें टुकुर टुकुर देखने की क्या बात है, बुरा लगता है तो हमारे ठेंगे से।
तुम खुद ही देख लो, ऐसे चल रही हो जैसे पाँव में मेहंदी लगी हुई है। अरे इस उम्र में तो लड़कियाँ फुदक फुदक कर चलती है ऐसे। अब इसमें हंसने की क्या बात है, लड़कियाँ हैं तो फुदकेंगी। अब तुम ये पूछोगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पूछो पूछो। हम जा रहे हैं आम के खेत में, और पेड़ पर तो हमें ही चढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों को तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं। अब तुम ये पूछोगी कि पेड़ पर चढ़ना हमको किसने सिखाया, ये बात हम तुम्हें आम खाने के बाद बताएंगे। अब इसे देखो, इतनी बड़ी सी डाल में इतनी सी अमिया, क्या जमाना आ गया है, आम की जगह पेड़ पर अमिया उगने लगी हैं। अरे हमारे जमाने में तो इतने बड़े बड़े आम हुआ करते थे कि दोनों हाथों में नहीं समाते थे। अरे बजरस जल्दी कर, अरे माली आ गया तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अरे माली की तो ऐसी की तैसी, उसे तो हम यूं तोड़ेंगे और यूं फेंक देंगे। हाँ अरे चुकरिया, अरे भाई अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, हम भी आ रहे हैं। भागे जा रही हो ससुरी, ये बाप का बगीचा समझ रखा है। अरे रुक जाओ वरना डंडा मार के टंगड़ी तोड़ दे। टम 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 मेरी बाहों में टपकी परी, हे आड़ी टपा आड़ी टपा, थम 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 तेरी नीयत है लगती बुरी। आड़ी टपा आड़ी टपा, टम 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 मेरी बाहों में टपकी परी, आड़ी टपा आड़ी टपा, थम 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 तेरी नीयत है लगती बुरी। तेरे अंगों से अंग टकरा, दिल में कोई प्यास जगी दीवाना मैं हो गया। आड़ी टप्पा आड़ी टप्पा, टम 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 मेरी बाहों में टपकी परी, आड़ी टप्पा आड़ी टप्पा, थम 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 तेरी नीयत है लगती बुरी। Yeah.
आग लगी, दिल में कोई प्यास जगी, दीवाना मैं हो गया। आड़ी टप टम टम टम, मेरी बाहों में टपकी परे। आड़ी टप थम थम थम, तेरी नीयत है लगती बुरी। अंदर कैसे आए? दीवार फांद के और कैसे? और फिर तुम तो चाहती थी कि मैं आऊं, इसलिए दरवाजा भी खुला रखा। तो लो मैं आ गया। और पूछते मैं कैसे आया? वो तो मैंने झूठ। जब दो दिलों में प्यार हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। कभी खिड़की खुली रह जाती है, तो कभी दरवाजा, और कभी कभी तू मेरा बाजा ला, ला ला मेरा बाजा ला। तुम्हें बाजा चाहिए ना? हाँ। ये लो, हिम्मत है तो निकाल लो। अरे हाथ डालो, मेरा बजा निकाल दिया? नहीं, मैं तेरा बैंड बजा दूंगा। पापा आ गए। बुड्ढा आ गया। विक्की भैया। हाँ बोल। जरा ही खत्तों पढ़ दियो। अरे तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बड़े शर्म की बात है, पता नहीं क्या होगा इस गांव का। अरे भैया, ये गांव में स्कूल हो तो बच्चे पढ़े ना, ये गांव में स्कूल है ना ही। स्कूल नहीं है तो हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को। अब इस गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। वो पेड़ तो अभी जी रहा है ना? आए मेरी माँ। अच्छा बेशरम, चल नीचे उतर, चल चल नीचे, कूद जा नीचे, चल 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 अंदर जाके सफाई कर, चल। बापू नहीं। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंजा दस, दो छक्का बारह। जानती हो मैं कौन हूं? तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकती ठाकुर। फिर तू ये कैसे भूल गई कि इस गांव की हर चीज पर मेरा नाम लिखा हुआ है? मेरी मर्जी के खिलाफ इस गांव में स्कूल खोलने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं ठाकुर। मैं वही हूँ जो इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी और विधवा बनकर गई, और आज फिर तेरे मनहूस कदम इस गांव में पड़े हैं। जिन लौंडों को तू अपने साथ लाई है, वो तो क्या भगवान भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता? ठाकुर, दुर्गा माँ की रक्षा के लिए उसके शेर अभी जिंदा हैं। बस माँ की आज्ञा मिल जाए तो फिर जो अंजाम महिषासुर का हुआ था वही तुम्हारा होगा। ठाकुर, इन बाजों में इतनी ताकत है कि अगर कस के मार दूं तो धरती का सिरा फट जाए। और ठाकुर, आज के बाद अगर दुर्गा के घर में कदम रखा तो मां कसम ये गर्दन चौराहे पे नजर आएगी। ठाकुर
सालों का हुक्का पानी बंद कर दो। जो कुआ उसे एक बूंद भी पानी देगा उस कुएं को मैं पटवा दूंगा। भैया जरा ये सामान बांध देना। अरे बैरे हो गए हो क्या? हम तो बैरे नहीं हुए हैं, पर तुम जरूर अंधी हो गई हो। देखे थे समाचार पत्र पर दे, ई तुहार ऊर्जा पुर्जा सामान के लेकर कहीं और चले जाओ। ई गांव में तुहार दाना पानी बंद। मेरी तो मुझे छोड़ दे रामकिशन, तोल दे। एक किलो इलायची, दो किलो चावल, तीन किलो गेहूं तोल दे, मुझे छोड़ दे। मसूर की दाल दे दे जो चाहे। गांव कायर और कमीनों का है। फिर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की तो मंदिर की घंटी बजा दीजिएगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। कुछ लठैतों को दुर्गा के घर भेजो ताकि उस बूढ़ी बिल्ली के पंजे झाड़ाएं। कौन हो तुम लोग? ठाकुर के आदमी। मेरे घर के आंगन में कदम रखने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? सीधी तरह अपने लौंडों को बाहर निकाल दिया या नहीं? दुर्गा के शेरों को ललकारने वाले ठाकुर के पालतू कुत्तों, अगर जान पा रही है तो चले जाओ यहाँ से। कहीं मेरे बेटे आ गए ना तो मार मार के लाशों के ढेर लगा देंगे। ए बुढ़िया, अबे ओए, अबे ओ कुत्तों, वहां क्या भौंक रहे हो? इधर आओ, 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 आओ। अभी अच्छे बच्चों की तरह लाइन बनाओ। इधर इधर, हाँ तो उधर। ए दाढ़ी वाले चल, ए लगड़े इधर इधर खड़े। हाँ अब एकदम ठीक है, बस बस थोड़ा आगे और थोड़ा। अब हो जाए शुरू।
अबे और डांस पार्टी इधर आ। दाढ़ी वाले और धोती प्रसाद लाइन में खड़े। गाना कैसे लगा? मार कैसे लगी? अच्छा लग रहा ना? तुमको बताना। अरे सुनो चमचो, अपने ठाकुर से कह देना अगर कोई बचा तो उसे भी भेज दे। क्यों? बदमाश कहेंगे। भगवान तुमको इतनी शक्ति दे कि जीवन युद्ध में ऐसे ही विजय पाते रहो। बरसों से इस हवेली का नमक खाकर अच्छी कालिक पोत दिए तुमने मेरे मुंह पर। हरामजादो, हरामजादो, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले उन शहरी लौंडों की गर्दन में लचक पैदा करके आता हूं। जाओ! जब नदिया मर घुटने पे आई, उठा लो राधे श्याम, नदिया गहरी होती जाए, उठा लो। राम राम कालिया जी। राम राम। आवा ठाकुर, आवा। बोला के की माँ अपने बेटे का शराब कराना चाह रही है? 20 बरस पहले आपने जिस मास्टर जी का श्राद्ध करवाया था, उसकी विधवा अपने 3 जवान लौंडों के साथ वापिस गांव में आ गई है, जिनकी गर्दन कुछ ज्यादा ही अकड़ी हुई है। उनमें थोड़ी सी लचक पैदा करनी है, लचक। अच्छा, तो मास्टरानी का एक श्राद्ध में पेट नहीं भरा, 3-3 श्राद्ध कराने की खातिर गांव में आई है, तो ये मां परेशानी की का बात है ठाकुर? परेशानी की बात ये है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं। अरे वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन गांव वाले भड़केंगे नहीं। क्यों, क्यों नहीं भड़केंगे? क्योंकि भड़की हुई आग के सामने जब हमार नाम लिया जाता है ना ठाकुर, तो वो भी डर के मारे ठंडी पड़ जाता है। गांव वाले ससुरे चीज ही का है, वो तो साले पहले से ही मुर्दा है। लेकिन ये मत भूलना कि यही भूखे नंगे लोग जब हथियार उठा लेते हैं तो दुनिया की तकदीर पलट देते हैं, फिर तुम्हारी मेरी हस्ती क्या है? अरे वो की नौबत नहीं आएगी ठाकुर। और रही उन 3 लौंडन की बात, उनकी तकदीर का फैसला हम करी हैं। दुर्गा मौसी, दुर्गा मौसी, विजय, विक्की और विशाल को डाकू उठाकर ले गए। क्या? हाँ। मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूं, तुम्हारे न्याय के लिए, अपने भक्तों पर तुम्हारी दया दृष्टि के लिए। तेरे सामने मेरे पति को मार डाला और तू देखती रही, तेरे सामने मेरे अर्जुन को डाकू उठा कर ले गए और तू देखती रही, तेरे सामने मैं घर से बेघर हो गई तब भी तू देखती रही, और आज आज वो मेरे 3 बच्चों को उठा कर ले गया तब भी बस तू देखती रही।
लेकिन एक बात सुन ले माँ, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी चौखट पर कभी लौट के नहीं आऊंगी। जादे ने तो का गोली मारी है, ओके हुलिया बताई दो, ओ की तलाश में सारे इलाके को छान मारो, जैसे नहीं मिले ओके गोलियों से छलनी कर दो। सरदार, गोली तो मेरी भी उसको लगी थी, अब तक तो वो मर भी गया होगा। विकी, विशाल, विशाल, विजय, विजय, गोली लगी है, बहुत खून बह रहा है, क्या करूं? तुम्हें गोली लगी है। ये लीजिए, गोली निकाल दीजिए। हिम्मत रखनी पड़ेगी तुम्हें, दर्द तो बहुत होगा। दर्द तो इस बात का है, मेरी वजह से आपको बहुत दुख उठाने पड़ेगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारी किसी काम आ सकी। तुम तो बहुत बहादुर हो,
इतने दर्द के बाद भी नहीं रोए? जो दर्द से नहीं रोते हम दर्दी से रो पड़ते हैं। तो मैं चलता हूं। नहीं भैया, खून बहुत बह चुका है, कुछ खा तो लो। पहले ही इतना खा चुका हूं, उसका कर्ज तो चुका लूं। चलता हूं मैं। मां, माँ तू कहाँ थी? विजय, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं? मेरे तो जान ही नहीं, नहीं हुआ हमें। क्यों हुआ हमें? पता नहीं एक फरिश्ता कहाँ से आ गया, उसने हम लोगों की जान बचा ली और खुद उसे गोली लगी। पता नहीं वो कहाँ चला गया माँ, हम उसका शुक्रिया तक अदा नहीं कर सके माँ। अरे तुम्हें ये खून कहाँ से लगा? शायद ये उसी मसीहा का खून है जिसने तुम लोगों की जान बचाई। आओ बेटा आओ। आज उसी भाभी ने अपने हाथों से मुझे पट्टी बांधी, पट्टी बांधी थी चाचा। ऐसा लग रहा था सारी ममता उमड़ कर मेरे ऊपर आ रही है। हाँ चाचा, हाँ चाचा, मैं कहता था ना उनके चरण छूने की मेरी मेरी हसरत है। आज आज मैंने उनके पैर छुए चाचा, आज मैंने भाभी के पांव छुए। ऐसा लगा मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई है चाचा, बहुत शक्ति आ गई है। आज आज ऐसा लगा कि मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे साली जरा धीरे पटक, देखते नहीं पीछे हम बैठे हैं, छींटे उड़ते हैं। मुनीम जी, जी सुंदर कन्याओं की हंसी देखकर हमारे दिल के तार झंझना उठते हैं। कौन है ये अप्सराएं? ये अपने गांव की लड़कियां हैं सरकार। ओ अरे धन्नो, यहाँ बैठी क्या हंसी चट्टा कर रही है, घर जा 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 जा। अच्छा बाबा जाती हूँ, ठहरो। अरे बैलों को घास का चारा बाप खिलाएगा? मुनीम जी उसको कहो कि थोड़ी घास हमारी तरफ भी डाल दे, बड़ी खूबसूरत लौंडिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार, वो तो आपकी बेटी जैसी है, मेरा मतलब है मेरी बेटी है वो। ओ लेकिन कुछ भी कहो, आपकी बेटी है बड़ी खूबसूरत जी, लेकिन वो तो आपकी बेटी नहीं ना। कौन वो? नहीं नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो अपने पंडित जी है ना, उनकी बेटी है। क्या जवानी निखरी है उसके ऊपर, वाह। मुनीम जी तुम जाओ जी। हाँ मैं जरा इसकी कमर में लचक पैदा करके आता हूं। घबराओ नहीं, हम तुम्हारी जवानी पर ऐसा निखार लाएंगे हैं कि ऊपर वाला भगवान भी तुम्हें देखकर चकरा जाएगा। आ इधर। Oh!
तेरा दुर्भाग्य, तूने इस देवी का खून बहाया है। अब मैं तेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद बहाकर इसके पवन बदला लूंगा। दिनों से ये जमीन तेरे खून की प्यासी थी ठाकुर, आज इसकी प्यास बुझानी है। आज के बाद इस धरती पर ना तो किसी देवी का अपमान होगा और ना ही किसी बहू बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, समझ गए? दरिंदे वैशी का हाल देख लो, जिसके डर ने तुम्हें बुजदिल बना रखा था। और तुम्हें देख, देख इनके मासूम चेहरों पर, गौर से देख कितने डरे और सहमे हुए ये लोग। क्यों, इनकी सूरत में अपना अंजाम नजर आ रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं, इस कमीने को कभी माफी नहीं मिल सकती। याद है ठाकुर, एक दिन इसी गांव में तू मेरे पति की मौत का कारण बना था। आज, आज मैं तेरी मौत का कारण बनूंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, इसके नापाक खून से आप अपने हाथ नहीं रंगेंगी। बहुत जुल्म कर लिए तूने इस गांव पर ठाकुर, जी भर के तूने कोहरा मचा रखा था। आज तेरी मौत इस गांव के लिए नया जन्म होगी। भाग, yeah।
सौगंध है ठाकुर के मौत की, हमो के हत्यारण के चिता जलाई के अपनी बेर दिवाली मनाई बे। सरदार मुनीम भी उसे मिल गया है। गालिया दुश्मन से ज्यादा गद्दारन के सजा देते है। चला गांव पर हमले की तैयारी करा, आज हम गांव के जला के राख करते ही। बजे चमक झांझरिया झूमे रात, लटको छटको लगे गा। बजे चमक झांझरिया झूमे रात, लटको छटको लगे गा। आज मुझे हरी सुनार ने अपनी अलमारी तोड़वाने के लिए बुलवाया था। पता है जब अलमारी खोली तो क्या देखा? बहुत सी बंदूकें, बहुत सी तलवारें, बहुत से कारतूस। Thank you.
गरीबों की जिंदगी से खेलने वाले राक्षस, आज तेरा खेल खत्म हुआ। मास्टर ने खेल हम ही शुरू किए रहे और हम ही खत्म करी हैं। ले जाए के और एक पिल्लन के खबर भिजवाए दे। जिंदगी चाहत हो तो भैरव घाटी चले आओ कालिया। दुर्गा देवी, शायद तू ये भूल गई रही कि आग में फूक मारे से आग अपने ही मुंह पर आता है। तू ये क्यों भूलता है कि फूक मारने से आग बुझ भी जाती है? हाँ, वैसे भी जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती कालिया। अगर तुझे लंबी उम्र मिली है तो सिर्फ इसलिए कि गांव छोड़ते वक्त मैंने दुर्गा माँ से प्रार्थना की थी कि वो तुझे जिंदा रखे ताकि वापस आके मैं तेरा सर कुचल सकूं। कालिया को पहली बार सामने से कोनो धमकी दी और वो भी औरत जात। थू, औरत के नाम पे थूकता है कमीने, जबकि तेरा बचपन माँ की थूक को ही चाट चाट कर हंसा होगा। और चीखो, जोर जोर चीखो, औरत चीखे चिल्लाए के अलावा और कर भी क्या सकत है? जानता है औरत सबसे ज्यादा कब चीखती है? जब वो बच्चे को जन्म देती है। आज मैं तेरी मौत को जन्म दूंगी कालिया, तेरी मौत को। और जिनके तू जन्म दे चुकी है वो लौंडे कहाँ है? वो तेरे लिए मौत के फरिश्ते बन के आएंगे। चिल्लाए के पहले जरा चारों तरफ नजर तो घुमा लियो। अरे ससुरो, तुहार लोगन के मौत तो ऐसन हुई है कि चट्टानन के दिल भी कांप उठी है। बांध दो इक्की के साथ ही दुक्की तिक्की चौकी के। कालिया के मान मां तुम्हारे ही शेर सर पे कफन बांध के आए रहे। हराम जादो, कफन तो हम तुमका पहनाई बे ताकि तुम्हारी नंगी लाशें तुहार माई के सामने शर्मिंदा ना हो। कालिया, कालिया के नाम इज्जत से लो हराम जादो।
कामयाब हो चुका है। Thank you.
कालिया सिंह, यह वही जगह है जहां तूने अहिंसा के एक पुजारी की हत्या की थी। सोंग कालिया, सोंग इस मिट्टी को, सोंग। आज भी इस मिट्टी से उस महान आत्मा के पवित्र खून की खुशबू आएगी जिसे तूने नहीं छोड़ूंगा, नहीं। हमका माफ कर दे, हमका माफ कर दो, हम तो से जिंदगी भीख मांगे थे। जिंदगी की भीख नहीं, मौत की भीख मांग कुत्ते। तूने इतनी मौतें बांटी है, आज उनके कर्ज चुकाने का दिन आ गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमको माफ कर दे। तुम कौन होते हो इसे मौत की भीख देने वाले? मैंने बरसों तपस्या की है इस राक्षस का खात्मा करने के लिए। इसे मारने का हक सिर्फ मुझे है या मेरे खून को? अपने खून को नहीं पहचाना भाभी, मेरी रगों में भी इसी खानदान का खून दौड़ रहा है। हाँ, मैंने कसम खाई थी जब तक इस भेड़ी को खत्म नहीं कर लूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। तुम अर्जुन? मैं तेरा अर्जुन। याद है वो दिन कालिया, जिस दिन इसी जगह पर मास्टर जी ने कहा था कि गरीबों और मजलूमों के आंसुओं से डर? याद है कालिया, मजलूमों और गरीबों के आंसुओं से डर? जिस दिन वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस कुत्ते की मौत ही मेरा मकसद था और अब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आज के बाद
तुम सब मिलकर इस गांव की हिफाजत करोगे, ये मेरे साथ वादा करो।